वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कुछ मैं बेसिक्स पॉइंट्स बताऊंगा स्टार्टर के बारे में एंड कॉलम रेइंफोर्समेंट के बारे में आपको। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देता रहता हूं मैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर और वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें। तो हमारे पास जो जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के है, कोई भी हम फ्रेम स्ट्रक्चर दे रहे हैं, तो उस पर दो मेन डिपेंड करता है लोकेशन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कॉलम का जो रोटेशन है वो क्या रखते हैं, स्ट्रक्चर क्या देते हैं। तो ये हमारे पास कॉलम के, हमारे पास जो कॉलम की लोकेशन रहती है, इस तरह से रहती है कॉलम की लोकेशन। उसके बाद जो हमारे पास स्टार्टर रहता है, ये भाई 9x12, ये अंदर जो डायमेंशन है 12x18 का है, 12x18 इंच, ठीक है। तो ये वाला प्लेन का फेस हो गया, ये वाला आउटर फेस हो गया, तो 9 इंच का हो जाएगा, तो 3 इंच आपका ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो 3 इंच आपका ये टक अंदर कॉलम रूम के अंदर निकल जाता है। तो हमेशा पॉइंट याद रखना कि जो आप स्टार्टर भरते हो, स्टार्टर भरने से पहले कुछ मेन पॉइंट्स है वो ध्यान देने होते हैं। सबसे पहले कि आप स्टार्टर जो भर रहे हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं स्टार्टर है, तो इसमें सबसे पहले देखना है कि जो आपका स्टार्टर हो वो लेवल में होना चाहिए। जैसे उधर से भी लेवल हो, जिसका टॉप लेवल बराबर हो। उससे क्या होता है कि जो फर्मा इसमें रखते हैं तो फर्मा यहाँ पर तो आपका बराबर आ जाएगा, पर लेकिन यहाँ पर फर्मा क्या होगा, आपका नीचे या ऊँचा हो जाएगा, इतना गैप आ जाएगा यहाँ पर। तो जो कंक्रीटिंग होती है, जो सीमेंट सरली होती है, सारी लीकेज कर जाती है, फर्मा अच्छे से सेट नहीं हो पाता है। एंड सेकंड पॉइंट ये, जब स्टार्टर आप भरते हो तो भरने से पहले जब कंक्रीटिंग का आप फिलिंग करते हो, तो ये जो आपका जो सरिया होता है, आउटर वाला जो सरिया होता है, ये वाला सरिया होता है, कंक्रीट हमारे बस इसके पीछे तक जाए, बस, ठीक है। और जो बीच वाला जो पोर्शन रहता है, वो खाली रहना चाहिए, ताकि जो इसके अंदर जो फर्मा लगाते हैं, जो कंक्रीट उसका फर्मे के अंदर डालते हैं, उसका जो जॉइंट होता है स्टार्टर का और उसका जॉइंट अंदर से प्रॉपरली से स्टैंड पड़ जाए। एंड सेकंड टिप्स ये होती है कि जब आप स्ट्रक्चर जो स्टार्टर फिलिंग फिलअप करते हो, बराबर करिए, लेवल में करिए, उसके बाद जो इसके कंक्रीट डालते हो, तो उसके बाद जो सूखा सीमेंट होता है, सूखा सीमेंट ऊपर से अच्छे से डाल दीजिए। उससे क्या होगा, जो छोटी छोटी डली होती है सीमेंट की, वो बन जाती है, और उससे क्या होगा, जो स्टार्टर है और कंक्रीट जो फर्मे के ऊपर डालते हो, फर्मे में फर्मा जो उसके ऊपर डालते हो, जो जॉइंट होता है वो जॉइंट नहीं बनेगा। हमेशा आपने देखा होगा जो फर्मा खोलते हैं तो यहाँ पे जॉइंट बन जाते हैं, क्रैक्स आने लगता है, तो वो क्रैक्स डैमेज कॉलम का जो डैपनेस का काम करता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हो गया, तो सुपर सीमेंट डालने से क्या होगा, जब फर्मा जिसके अंदर डालते हो, जो कॉलम रहेगा उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है, वो अच्छे से बॉन्ड बन जाती है कॉन्क्रीट की, जो दोनों तरफ कॉन्क्रीट का जॉइंट रहता है वो बन जाता है। एंड थर्ड टिप्स ये है आपके लिए, जब भी आउटर, जैसे कि आउटर वाला जो कॉलम होता है, आउटर कॉलम होता है, अगर फर्मे की लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है, लोहे का हो या फिर आपका वुडन का हो या एल्यूमिनियम का हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है, जैसे ये फर्मा है, अगर ये इससे ऊंचा आ रहा है, तो यहाँ पे आप सरिया निकाल दीजिए, दो सरिया यहाँ पे निकाल दीजिए, दो सरिया बाहर निकाल दीजिए, फर्स्ट फ्लोर हो या प्लेन बीम हो या फिर ग्राउंड फ्लोर या फिर फर्स्ट सेकेंड फ्लोर हो, तो वहाँ पर दो सरिया फर्मा, जैसे फर्मा स्टार्ट करते हो, फर्मा स्टार्टर लगाते हो, उसके नीचे दो सरिया बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पे सरिया निकल जाएगा, दो सरिया मिनिमम 10 mm के सरिया बाहर निकल जाए। उससे क्या होगा, जो फर्मा आप लगाते हो लोहे का, लकड़ी का, वो फर्मा लगाने में आसानी रहे और फर्मा सीधा खड़ा रहे, सोल करने में भी आसानी हो, ठीक है। तो थर्ड टिप समय से याद रखना है कि सरिया बाहर निकाल दीजिए, फिर उसके बाद स्टार्टर की कंक्रीट फिलअप कीजिए, स्टार्टर को पोरिंग कीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप ये फेस देख रहे हैं, ये वाला फेस देख रहे हैं, तो अगर ये वाला फेस है थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है, हो सकता है लेवल में जो डिफरेंस हो, ये वाला फेस आ रहा है, तो हमेशा चौथी टिप्स ये है कि पानी डालिए, सबसे पहले नीचे पानी डालिए, उसके बाद सूखा सीमेंट डालिए, उसके बाद स्टार्टर को कास्टिंग कीजिए। इससे आपका प्रॉफिट ये होगा कि जब भी आप स्टार्टर फर्मा खोलते हो, तो यहाँ पर ये जो जॉइंट होता है, ये वाला जॉइंट होता है, वो खुल जाता है। अगर आप सीमेंट से पानी डाल देंगे तो उसमें नमी आ जाएगी और कंक्रीट जो है वो अच्छे से फिलअप हो जाएगी, कंक्रीट फोरिंग अच्छे से हो जाएगी, वो जॉइंट आपका कभी भी, नीचे वाला कोई भी जॉइंट होता है वो कभी नहीं खुलेगा, उससे जब पकड़ है वो अच्छे से ज़्यादा बन जाती है यहाँ पे। तो कुछ बेसिक्स पॉइंट है जो स्टार्टर के बारे में जो मैंने आपसे शेयर किए। तो वीडियो पसंद आया तो पहले लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना।